डिपो में आने वाले राशन की थैलियों का वजन कम होने से डिपो धारकों में सरकार के प्रति रोष पनप रहा है। चीनी और आटा की थैलियों में मात्रा कम होने से डिपो धारक सभी राशन कार्ड धारकों को नहीं दे पा रहे हैं, साथ ही उन्हें राशन वितरण करने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिपो में राशन पूरा नहीं आने से लोगों के साथ साथ डिपो धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिपो धारकों का कहना है कि सरकार द्वारा जो राशन उन्हें प्राप्त हो रहा है उसमें लिखे गए वजन के अनुसार सामान्य सामान का वजन पूरा नहीं है, जिसके चलते घाटे की सारी भरपाई डिपो धारकों को पूरी करनी पड़ रही है। सामान का वजन कम होने के कारण अब डिपो धारकों को इससे हो रहे घाटे को पूरा करना चुनौती बन गई है। प्रदेश डिपो संचालक के महासचिव अशोक कबी ने बताया कि सिविल सप्लाई द्वारा जो राशन उन्हें प्राप्त हो रहा है उसमें लिखित वजन ज्यादा और वास्तविक वजन कम है, जिसके चलते घाटे की भरपाई डिपो धारकों को करनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हर गोदाम में छापेमारी की जाए और गोदामों में कहां घोटाला हो रहा है उसका भी पता लगाया जाए। साथ ही सरकार द्वारा 6 दालों में से 3 दालें चुनने के फैसले को भी वापस लेने की मांग प्रदेश डिपो संचालकों ने की है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के कुछ मेंबर माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री जी एस बाली से नूरपुर में मिलने गए अपनी मांगों को लेकर। जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो नगरोटा सूर्य के तहत एक सहकारी सभा का डिपो है सपुरू, तो वहाँ डिपो पे राशन उतर रहा था। हमने उसको अचानक चेक किया और उनका जो माल जो सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने भेजा था उसको हमने उसका वेट चेक किया, तो जो हमने लेवी शुगर का बैग जो चेक किया तो लेवी शुगर का बैग निकला 9 किलो 800 ग्राम, जबकि इसका वजन होना चाहिए था 50 kg 100-150 ग्राम होना चाहिए था। जो खाली बैग है उसका वेट मिला के 50 kg 150 ग्राम चाहिए था। वही आ था आटे की थैली का 10 kg वाली जो थैली थी उसका वेट निकला 9 किलो 900 ग्राम, जबकि इसका वेट चाहिए था 10 kg 100 ग्राम। वही हाल नमक का था, नमक 24.5 kg का बैग था जबकि ये चाहिए था 25 किलो 100 ग्राम। तो ये नेट वेट की जो आइटमें हैं इसके ऊपर जो नेट वेट वाली आइटम है उसकी उनकी ये हालत है। तो जो ग्रॉस वेट में सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन रिपोर्ट है वो सप्लाई करती है तो उसमें ये कितनी धांधली करते होंगे मैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमने 2 महीने पहले भी इसी डिपो को चेक किया था और जो वहाँ के इंचार्ज सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के श्री प्रभात जी उनसे बात की थी और उन्होंने सॉरी कहकर जो अब अपना पीछा पिछली बार छुड़ाया था। कल भी जब हमने इनको दूरभाष के ऊपर बात की मोबाइल से हमने उनको कॉल करी तो कल भी उन्होंने सॉरी कहकर अपना नंबर जो काट दिया, हमारे से बात नहीं की। तो मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि ऐसे जो सिविल सप्लाई के जो कॉर्पोरेशन के गोदाम है प्रदेश भर में जहां ये लूट मची है और डिपोर्टरों को लूटा जा रहा है, इनके विरुद्ध जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इनके विरुद्ध छापेमारी की जाए, इनके गोदाम चेक किए जाए कि इनके पास जो सरप्लस माल है वो कहां से आ रहा है।